वैश्विक महामारी कोविड-19 की निजात को पाने के लिए जहां पर विकास क्षेत्र के शेखपुर समोधा ग्राम सभा के माध्यम से खालीगांव में आज अखंड श्री हनुमान चालीसा पाठ हवन का आयोजन किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि संकट मोचन महाबली हनुमान इस महामारी के समस्त देशवासियों की निजात दिलाएंगे। और इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालक आचार्य हरेराम जी मिश्रा ने बताया कि सभी ग्रामवासी संकट मोचन महाबली हनुमान के आराधना करें और हवन पूजन के समस्त देशवासियों से इस काली रात रूपी महामारी की निजात दिलाने का आह्वान करें। साथ में उन्होंने ये भी कहा समस्त क्षेत्रवासियों जनपदवासियों को एवं देशवासियों से अपील की कि आइए हम सब मिलकर अपने अपने गांव में अपने अपने क्षेत्र में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं, महामारी से समस्त देशवासियों को निजात दिलाए। प्राइम बीके न्यूज चैनल के लिए आप देख सकते हैं राम भवन रायबरेली उत्तर प्रदेश। भाई साहब परिचय जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम मयंक कुमार मिश्रा है और मैं इसी गांव का खालीगांव से इसको समोधा का नागरिक हूं। और आज जो हवन पूजन का कार्यक्रम था आपके गांव में उसका क्या उद्देश्य है, किस प्रयोजन से किया गया? विगत वर्षों से हमारे गांव में कुछ ना कुछ अनेक जो है सार्वजनिक कार्यक्रम होते रहे हैं। जी जिस प्रकार की महामारी इस समय देश में प्रदेश में और हर जगह पे व्याप्त जी उसको देखते हुए हमारे गांव में पिछले वर्ष भी हवन का कार्यक्रम किया गया था। तो एक धार्मिक सोच और विचार के अंतर्गत हमारे गांव में पिछले वर्ष बड़ी सुख और शांति थी और कोई भी कोविड का पेशेंट हमारे गांव में नहीं निकला। उसी प्रयोजन से हम लोगों ने फिर से एक बार हवन का आयोजन किया है जिसमें हनुमान चालीसा का 1100 बार पाठ हुआ है। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे गांव, हमारे क्षेत्रवासी और प्रदेश देशवासी सब स्वस्थ रहें। इस वैश्विक महामारी में आम जनमानस को, ग्रामीणों को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये वैश्विक महामारी जो फैली हुई है इसके अंतर्गत लगभग लोग जो हैं वो देश प्रदेश में सभी लोग अलग अलग तरह से परेशान है। इस समय सबसे बढ़िया और अच्छा तरीका है कि मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी गाइडलाइन है उनका पालन किया जाए और हो सके तो आपसी समाज के लोगों को जो परेशान है, जो निर्धन है या गरीब है, उनकी जिस प्रकार से भी हो सके उस प्रकार से मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय जानना चाहेंगे आपका? जी आज जो हवन पूजन का कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा कराया गया गांव में उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य कि गांव में जो महामारी कोरोना महामारी से व्याप्त हो रही है उसका प्रभाव कम पड़े और गांव के लोग रहे सुखी रहे स्वस्थ रहे जी, हमारी हवन से करना होता है। आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे इस वैश्विक महामारी में? वैश्विक महामारी से सब लोग दूर बनाए रखे और अपना ध्यान स्वयं रखें जी, क्योंकि सरकार जो है सबका साथ नहीं दे सकती है। आप लोग वृद्ध वर्ग हैं, आप लोग स्वयं अपना ध्यान रखें और अपने हाथ धुले, मास्क लगाए रहें और भगवान का स्मरण करते रहें हमेशा। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।